हाय एवरीवन, वेलकम टू मॉमी इन द हाउस। आज मैं और देविका आपसे शेयर करने वाले हैं कि आपको ऐसे कौन से 3 साइंस देखने हैं जब आपको पता लगेगा कि आपका बेबी बैठने के लिए रेडी है। कुछ चीजें आप कर सकते हैं जिससे आप अपने बेबी की अपर बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि वो अनअसिस्टेड सिटिंग कर सकें, और साथ ही साथ आप उनकी वीनिंग प्रोसेस यानी कि उनकी सॉलिड्स की जो जर्नी है वो शुरू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला साइन है हेड कंट्रोल। हेड कंट्रोल का मतलब है जब आपका बेबी टमी टाइम करते समय इधर से उधर गर्दन घुमाकर देखे, डिफरेंट डायरेक्शंस में गर्दन इजीली घुमा सके, अपना हेड लिफ्ट कर सके, तब आपको समझ जाना है कि आपका बेबी बैठने के लिए रेडी है। नेक्स्ट है लिफ्टिंग द बैक। लिफ्टिंग द बैक चेक करने के लिए आप अपने थम्स अपने बेबी के हैंड में दे सकते हैं एंड कोशिश करिए कि देखें कि वो अपनी कमर को उठाते हैं या नहीं आपके पास आने के लिए। तीसरा साइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है रोल ओवर, यानी जब बच्चे करवट लेकर अपनी बैक पर आ जाते हैं। आपको समझ जाना है कि अब आपका बेबी जो है बैठने के लिए रेडी हो रहा है। बच्चों को आप ट्राईपॉड पोजीशन में बिठा सकते हैं, दैट मीन्स उनके दोनों हाथ उनकी दोनों टांगों के बीच में रख सकते हैं, इससे उनको बैठने में मदद मिलती है। कंबल का गोला या किसी भी चादर का गोला आप बना सकते हैं, उसमें बीच में इनको बिठा सकते हैं और इनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं ताकि ये थोड़ी देर के लिए जो है सिटिंग पोजीशन में बैठना स्टार्ट कर सकें। टमी टाइम को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोग नहीं देते हैं, लेकिन आप अगर अपने बच्चे के 15-20 दिन होने के बाद कुछ देर टमी टाइम कराएं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। बच्चे की अपर बॉडी स्ट्रांग होती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चों को बैठने में और बच्चों को क्रॉल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है और वो जल्दी अपने माइलस्टोन को अचीव करते हैं। तो अगर हमारी प्यारी सी देविका का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिए उनके साथ जिनके अभी अभी न्यूबॉर्न बेबीज हुए हैं, और अपना ध्यान रखिए जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।